इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत फेमस हुआ जिसके अंदर एक बुल एक आदमी को चार्ज कर रहा है और उसका डॉग उसको बचाने के लिए बीच में आ जाता है। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही स्मॉल साइज का डॉग एक इतने बड़े बुल के साथ अपने ओनर को बचाने के लिए भिड़ जाता है। ये कोई और ब्रीड नहीं, ये एक बहुत ही फेमस ब्रीड है जिसका नाम है बुल टेरियर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस ब्रीड जिसका नाम है बुल टेरियर। हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बुल टेरियर के बारे में। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक्स लाते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हम अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बेहतर बना सकें। बुल टेरियर देखने में बिल्कुल अलग ब्रीड है। ये ब्रीड की आँखें ट्रायंगुलर शेप की होती हैं जो इसकी खासियत है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हेड। इसका हेड एग शेप में होता है और ये बहुत ही बोनी होता है। ये फीचर्स इसको दूसरी ब्रीड से बिल्कुल अलग बनाते हैं। बुल टेरियर्स बहुत सारे कलर्स में आते हैं और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में दिखाई देते हैं। बुल टेरियर्स के बहुत सारे कलर मैंने इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि किन किन कलर्स को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया है। रिसेंटली बहुत सारे नए ब्रीडर्स ने बहुत सारे नए कलर्स बुल टेरियर्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये कलर्स रिकग्नाइज तो नहीं है लेकिन बुल टेरियर्स में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। ब्लू कलर, मर्ल कलर और प्योर ब्लैक कलर, ये कलर्स आपको आजकल के बुल टेरियर्स में दिखाई देंगे। बुल टेरियर्स बहुत ही एनर्जेटिक ब्रीड है और ये घर के मेंबर्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली होती है और देखने में बहुत ही चबी लगती है। खासकर बच्चों के साथ में ये बहुत ही अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और बच्चों के साथ में इनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बुल टेरियर्स घर के अंदर बच्चों के लिए एक खिलौने की तरह होते हैं और बच्चे इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनका भी एनर्जेटिक बिहेवियर बच्चों को बहुत पसंद आता है। बुल टेरियर पपीज़ देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। बुल टेरियर पपीज़ अपने ब्रीड को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने शो किया है एक मिनिएचर बुल टेरियर पपी किस तरह से ओनर के साथ खेल रहा है। इनकी ये एनर्जी पूरी ज़िंदगी रहती है और ये बड़े होने के बाद भी इतने ही एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हैं। इसी एनर्जी की वजह से लोग बुल टेरियर्स अपने घर में रखते हैं और यही एनर्जी उनको बाकी ब्रीड्स के साथ अलग करती है। टेरियर ब्रीड्स के अंदर ये एनर्जी पाई जाती है। बुल टेरियर्स के अंदर जो टेरियर ब्लड इंट्रोड्यूस किया गया था जब उसके ओरिजिन के टाइम, ये आप बखूबी देख सकते हैं इसकी एनर्जी के अंदर। ये अपने घर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह गार्डिंग करते हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बुल टेरियर्स के ओरिजिन के बारे में बात करें तो बुल टेरियर्स ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग और अभी एस्टिक्ट हो चुके इंग्लिश वाइट टेरियर को यूज़ करके बनाए गए हैं। इसके अंदर बाद में स्पेनिश पॉइंटर्स को भी यूज़ किया गया ताकि इनका साइज़ और भी बड़ा बनाया जा सके। बुल टेरियर का अपीयरेंस हमेशा एग शेप का नहीं था। इनिशियल बुल टेरियर्स की अगर आप पिक्चर देखें तो ये ज़्यादा इंग्लिश वाइट टेरियर की तरह दिखते थे, लेकिन ग्रेजुअली बुल टेरियर्स को इस तरह से ब्रीड किया गया कि उनके हेड के ऊपर से स्टॉप धीरे धीरे कम होने लगा। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर यहाँ से शुरुआत होती है बुल टेरियर्स के हेड के चेंज होने के लिए। एग शेप हेड के लिए इतनी ज़्यादा क्रेज़ हो गया ब्रीडर्स के अंदर, उन्होंने इसी तरह के बुल टेरियर्स को यूज़ करना शुरू किया और आजकल के बुल टेरियर्स का हेड बिल्कुल अलग होता है। 1860 में जेम्स हिंक्स, जिनको मॉडर्न बुल टेरियर का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने प्योर वाइट बुल टेरियर्स को प्रोड्यूस करने का बेड़ा उठाया। प्योर वाइट बुल टेरियर्स देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ अनुवांशिक बीमारियां आती हैं जैसे इनका बहरा होना। अमेरिकन कैनल क्लब के अंदर 1885 में सबसे पहला
बुल टेरियर रजिस्टर किया गया। 1897 में जाके पहला बुल टेरियर क्लब अमेरिका के अंदर बना। इनिशियली बुल टेरियर्स वाइट कलर में ही रजिस्टर किए जाते थे, लेकिन सबसे पहला बुल टेरियर जो कलर्ड बुल टेरियर था 1936 में रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बाद में इसके अंदर दो साइजेस में इनको रजिस्टर किए जाने लगा। 1992 में जाके मिनिएचर बुल टेरियर्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया। मिनिएचर बुल टेरियर और स्टैंडर्ड बुल टेरियर में सिर्फ साइज का ही डिफरेंस होता है। मिनिएचर बुल टेरियर 10 टू 14 इंच हाइट के होते हैं और स्टैंडर्ड बुल टेरियर 21 से 22 21 टू 22 इंचेस के करीब होते हैं। स्टैंडर्ड के अनुसार मिनिएचर बुल टेरियर और स्टैंडर्ड बुल टेरियर में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ फर्क उनके साइज में होता है। बुल टेरियर एक FCI रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड है और आप इसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर डीपली आपको बुल टेरियर ब्रीड्स के स्टैंडर्ड के बारे में पता चलेगा। हम अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो अपार्टमेंट लाइफ के लिए बहुत सूटेबल है। इसका साइज़ बहुत ही सूटेबल है अपार्टमेंट लाइफ के लिए। न्यू ओनर्स के लिए थोड़ा सा सोचने की बात है। सेफ्टी लेवल बहुत अच्छा रहता है, अकेला रहना पसंद नहीं करते। गर्मियों के लिए तो ये ब्रीड अच्छी है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको होती है। अगर फ्रेंडलीनेस दोस्ताना रवैये की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है। हाँ, थोड़े दूसरे डॉग के साथ में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। शेडिंग ये मॉडरेट करते हैं, ड्रूलिंग हाँ करते हैं। ग्रूमिंग में बहुत अच्छी रहती है। वेट गेन करने की भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अगर हम ट्रेनेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही इजीली ट्रेन हो जाते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है और प्री ड्राइव इनके अंदर बहुत अच्छी रहती है। वंडर लस्ट भी बहुत अच्छी होती है। अगर एनर्जी लेवल की बात की जाए तो बहुत हाई एनर्जी लेवल रहता है। इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी रहती है। प्लेफुल नेचर के लिए तो ये ब्रीड बहुत फेमस है। एक्सरसाइज नीड्स इनके लिए बहुत अच्छी रेटिंग है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया में पंजाब के अंदर बहुत सारे अच्छे ब्रीडर्स हैं जो बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। रिसेंटली बहुत ही अच्छी विनिंग किए हुए डॉग को इंपोर्ट किया गया मिस्टर संदीप ने, और यह इंडिया के ब्रीडिंग स्टॉक में इजाफा कर रहा है। सभी ब्रीडर्स के बारे में बता पाना इतना आसान तो नहीं इस छोटे से वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको मैं इस वीडियो के अंदर शो कर पाऊँ। जो भी ब्रीडर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उनके लिंक्स दूंगा, ताकि जो लोग इस वंडरफुल ब्रीड्स को पालना चाहते हैं वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और इस वंडरफुल ब्रीड को आगे बढ़ाने में आप उन लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। मेरी ये सोच है कि ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीड है एज ए गार्ड डॉग, एज ए कंपेनियन डॉग। तो आप लोग सब आएँ और इन सभी लोगों से आप मिल के एक इस ब्रीड को प्रमोट कर सकते हैं। बुल टेरियर के छोटे से साइज़ को देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यह ब्रीड गार्डिंग कैसे करती होगी, लेकिन आप यकीन करें इस ब्रीड की अंदर गार्डिंग इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये बहुत ही अच्छी गार्डिंग करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है कि किस तरह से एक चोर किसी घर में दाखिल हो रहा है और वहाँ पर दो बुल टेरियर्स उसकी किस तरह से गार्डिंग करते हैं। इस ब्रीड की यह खास बात है कि एक बार ये गार्डिंग करने लगे तो ये कभी पीछे नहीं हटते। इनको साइज़ को देखकर लोग हो सकता है कि इन्हें अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन अगर ये गार्डिंग कर रहे हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि डॉग पीछे नहीं हटेगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। इस वीडियो के अंदर इस आदमी ने इन डॉग्स को बहुत ही छोटा और कमज़ोर सोचा, इसलिए बहुत सीरियसली नहीं लिया, जिसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ा। आप देख सकते हैं छोटे साइज होने के बावजूद भी और कई बार इस चोर के मारे जाने और परेशान करने के बावजूद भी यह डॉग्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसी नेवर डाइंग एटीट्यूड की वजह से बुल टेरियर्स को एज ए गार्ड डॉग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अगर आप ऐसा डॉग पालना चाहते हैं जो प्लेफुल है, फुल ऑफ एनर्जी है, गार्डिंग इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा कंपेनियन डॉग है, तो बुल टेरियर इसमें बिल्कुल सही बैठते हैं। बुल टेरियर्स बहुत ही प्लेफुल होते हैं और इनका ये नेचर बच्चों को बहुत पसंद आता है।
ये मेरी फेवरेट ब्रीड में से एक है। आप इस ब्रीड के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यह वीडियो मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।